ये भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये क्लास 9th के NCERT के भूगोल विषय से बनाया गया है। ये भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलते प्रश्न एक पर। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए ली जाने वाले आदेश को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वीजा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस देश आने जाने के लिए वीजा की ज़रूरत नहीं होती है? यानी कौन सा ऐसा देश है जहां जाने के लिए वीजा की ज़रूरत नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद जो है, नेपाल का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मध्यस्थ देश। ये क्लास 9th के भूगोल से बनाया गया। इसमें नेपाल के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। तो नेपाल के पूर्व में भारत के कौन से राज्य स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। नेपाल जो है भारत के पड़ोसी देश है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। क्लास 9th के NCERT भूगोल में इसका वर्णन किया गया है, उसी से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेपाल के पश्चिम में भारत के कौन से राज्य स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये भारत के पश्चिम। उसके बाद छठा प्रश्न, नेपाल के दक्षिण में भारत के कौन से राज्य स्थित हैं? तो नेपाल के दक्षिण में भारत के जो राज्य स्थित हैं उसका नाम है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है सातवां प्रश्न है, बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र लुम्बिनी किस देश में है? यहीं जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह स्थान जो है नेपाल में पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद जो है आठवां प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है काठमांडू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है 9 नंबर का, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू में ये वहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उसके बाद जो है 10वां प्रश्न, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 140,797 वर्ग किलोमीटर। ये नेपाल का क्षेत्रफल है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो नेपाल को जो है कितने भागों में बांटा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 12वां प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। उसके बाद जो है 13वां प्रश्न है, स्थानीय लोग एवरेस्ट की चोटी को क्या कहते हैं? तो स्थानीय लोग एवरेस्ट की चोटी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सागर माथा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेपाल की जलवायु कैसी है? पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर कर दें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शीत प्रधान। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाली नदी या घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद जो है 16 नंबर का प्रश्न है, नेपाल में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली 3 मुख्य नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोसी, गंडक तथा घाघरा नदी। उसके बाद है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में गंडक नदी का एक दूसरा भी नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नारायणी नदी। इस नाम से गंडक को जाना जाता है। उसके बाद 18वां प्रश्न है, नेपाल में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी का भी दूसरा नाम है। तो नेपाल में इस नदी को कहा जाता है सप्तकोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 19 है,
नेपाल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 25.4%। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। नेपाल के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18%, यानी नेपाल में जो भूमि है उसका 18% भाग पर खेती होती है। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है, नेपाल की मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि तथा पशुपालन यहाँ की मुख्य व्यवसाय है। तो नेपाल की मुख्य व्यवसाय था कृषि तथा पशुपालन। उसके बाद है 22वां प्रश्न, नेपाल की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चावल, मक्का, गेहूं, नेपाल की मुख्य खाद्यान्न फसल है। उसके बाद जो है इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर का, नेपाल का मुख्य खनिज कौन सा है? ये क्लास 9th के भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अबरक, यानी मुख्य रूप से नेपाल में अबरक ही पाया जाता है खनिज के रूप में। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है, नेपाल में देवी घाट जल विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से चालू किया गया है? तो नेपाल में मात्र एक ही विद्युत परियोजना है और यह किस देश के सहयोग से चालू किया गया है? तो भारत। उसके बाद जो है 25 नंबर का प्रश्न, नेपाल की दूसरी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर यानी दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है नेपाल का? तो पोखरा। तो एक नंबर में सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। उसके बाद नेपाल में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न जो इस वीडियो का अंतिम है, ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित इस वीडियो में चर्चा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। इस तरह के वीडियो का लाभ लेने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास 9th के NCERT भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा यहाँ से, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।